हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिसेज बिंदा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ाने जा रही हूँ। सी, थ्री गर्ल्स हैव 29 डॉल्स ईच, हाउ मेनी टोटल डॉल्स डू दे हैव। यानी कि थ्री गर्ल्स हैं और प्रत्येक गर्ल्स के पास, यानी कि एक लड़की के पास 29 डॉल्स हैं, तो सभी लड़कियों का डॉल्स मिलाकर कितने डॉल्स होंगे। बच्चों, ये है सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी टोटल लड़कियां 3 हैं और प्रत्येक लड़कियों के पास कितने डॉल्स हैं, 29। अब टोटल नंबर ऑफ डॉल्स यानी कि सभी लड़कियों का डॉल्स मिलाकर कितने डॉल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 29 इंटू 3 कर देंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ डॉल्स मिल जाएगा। ए वंस टेंस, ए 29 इंटू 3। अब 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 9 जा 27, 27 का 7 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉल्स 87 होगा। क्वेश्चन डी, ए हैमबर्गर कॉस्ट्स रुपीज़ 25, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 30 सच हैमबर्गर्स। मतलब कि एक हैमबर्गर का कॉस्ट जो है 25 रुपीज़ है और टोटल जो हैमबर्गर्स हैं वे 30 हैं, तो 30 हैमबर्गर्स का कॉस्ट कितना होगा ये पता करना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन ये है, टोटल नंबर ऑफ हैमबर्गर्स 30, यानी कि टोटल जो हैमबर्गर्स हैं वे 30 हैं और एक हैमबर्गर्स का कॉस्ट जो है 25 रुपीज़ है, तो 30 हैमबर्गर्स का कॉस्ट कितना होगा, तो हम लोग उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 इंटू 25। अब इसको ऐसे वर्टिकल मेथड से लिख कर अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 0 का 0 कर देंगे और 25 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 750 आ जाएगा, रुपीज़ 750। क्वेश्चन ई, देयर आर 7 बॉयज़ इन 1 टीम, एक टीम में 7 लड़के हैं, देयर आर 26 सच टीम, इस तरह के 26 टीम्स हैं, हाउ मेनी टोटल बॉयज़ आर देयर इन ऑल द टीम्स। टीम में टोटल कितने लड़के हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ई का सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल टीम कितने हैं, 26 है, 1 टीम में बॉयज़ की संख्या 7 है, तो टोटल बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 26 इंटू 7, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे। अब इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से, और फिर 26 इंटू 7 और 7 से फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 182 मिलेगा, यानी कि हमारा टोटल बॉयज जो हुए 182। फिल इन द बॉक्सेस है, ये बहुत इजी है, आप इसको बना लेना। नेक्स्ट है जी, डैडीज स्टोर हैज़ 15 एक्वेरियम्स, डैडी के स्टोर में 15 एक्वेरियम्स हैं, देयर आर 30 फिशेस इन ईच एक्वेरियम, प्रत्येक एक्वेरियम में 30 फिशेस हैं, हाउ मेनी टोटल फिशेस आर देयर, तो टोटल फिश कितने हैं। क्वेश्चन जी का सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ एक्वेरियम 15, ईच एक्वेरियम हैज़ फिशेस 30, ने प्रत्येक एक्वेरियम में 30 फिशेस हैं, तो अब टोटल नंबर ऑफ फिशेस निकालने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 15, अब उसे वर्टिकल कॉलम में लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये नंबर प्राप्त होगा, तो ये जो
नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ फिशेस है 450। देयर आर 60 मिनट्स इन वन आवर, एक घंटे में 60 मिनट होता है। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन थ्री आवर्स, तीन घंटे में कितने मिनट होंगे। एच क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 3 आवर्स इज इक्वल टू 3 × 60। अब इसको वर्टिकल कॉलम में इस तरह से लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 180 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 180 क्या हो जाएगा, 3 आवर्स में 180 मिनट्स होते हैं। क्वेश्चन आई, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 teeth, एक एडल्ट मनुष्य का टीथ 32 होता है। इफ़ देयर आर 20 adults इन ए रूम, यदि एक रूम में 20 adults हैं, हाउ मैनी टोटल टीथ दे ऑल हैव, तो इन सभी यानी 20 adults के मिलाकर कितने टीथ होंगे। क्वेश्चन आई का सॉल्यूशन है टोटल एडल्ट 20 एंड एडल्ट ह्यूमन हैज़ टीथ, एक ह्यूमन के टीथ कितने हैं 32। अब टोटल एडल्ट के टीथ कितने हो जाएंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 32 × 20 और इसको वर्टिकल कॉलम में लिख के और मल्टीप्लाई कर देंगे 0 × 0 = 2 4 = 2 2 = 4 2 3 = 6 और ये जो नंबर हमें मिला ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ टीथ है यानी 20 adults का टीथ कितने हो जाएंगे 640।